मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक कांस्टेबल की वजह से पूरे पुलिस महकमे की बदनामी हुई है। यहाँ बताया जा रहा है कि भोपाल में नशे की हालत में कांस्टेबल पकड़ा गया। वो रोड पर दो एक छात्र छात्रा आपस में बात कर रहे थे। इस दौरान कांस्टेबल ने उनको रोक लिया और उनसे कहा कि अजासी कर रहे हो, उनसे बदतमीजी करने लगा। छात्र छात्रा बताने लग गए कि उनको बताया, जबकि बार बार वो कह रहे थे कि वो दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं, वो पढ़ाई के संदर्भ में दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कांस्टेबल इस बात पर कुछ नहीं सुना और उनकी पिटाई शुरू कर दी, छात्र की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि बताया जा रहा है ये भी कि छात्र वहां से हटने की कोशिश कर रहा था कांस्टेबल से माफ़ी मांग करके सॉरी बोल करके, लेकिन इसके बावजूद कांस्टेबल नहीं माना और उनकी पिटाई शुरू कर दी। छात्रा के सामने छात्र की पिटाई की है बुरी तरीके से। इतना ही नहीं, इतने से मन नहीं भरा कांस्टेबल की और उसने उस छात्र के कपड़े भी उतरवा दिए बीच रोड पर, जब ये सब मामला हो रहा था। इसी बीच वहाँ आसपास के जो गुजर रहे लोगों को कुछ संदेह हुआ और वो वहाँ से रुक गए और देखा तो मामला कुछ और पता चला। देखा कांस्टेबल नशे की हालत में है और वो छात्र छात्राओं को परेशान कर रहा है। इसके बाद वहीं मौजूद एक माखला चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया है। मामला प्रकाश में आने के बाद एडिशनल DCP राजेश सिंह भदौरिया जो हैं उन्होंने कांस्टेबल पर के खिलाफ कार्रवाई की और उन्होंने लाइन अटैच कर दिया है। कांस्टेबल पर लगे आरोपों की जांच के लिए वहां जो वीडियो जो वायरल है उसकी जांच की जा रही है, उसको इससे खंगाल करके परीक्षण किया जा रहा है कि आरोपी कांस्टेबल की क्या गलती है, उसने क्या बदमाशी की। आरोपी कांस्टेबल का नाम बताया जा रहा है प्रशांत तिवारी है और बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला जो है सुभाष नगर टावर के पास का है, जहां विश्राम घाट एंट्री गेट पर छात्र छात्रा खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच भेल के खंडहर की तरफ से कांस्टेबल प्रशांत तिवारी वहां पहुंचे और नशे की हालत में वहां खड़े छात्र छात्राओं से पूछताछ शुरू कर दी। जब उन्होंने बताया कि वह स्टूडेंट हैं और साथ में पढ़ते हैं तो कांस्टेबल ने कहा तुम यहाँ खड़े होकर अय्याशी कर रहे हो। इसके बाद छात्र छात्रा होशंगाबाद रोड की ओर बढ़ने लगे, तभी कांस्टेबल उनके पीछे आया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। छात्र बार बार गिड़गिड़ा रहे थे खुद कांस्टेबल के बारे में कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से यहाँ नहीं दिखूंगा, लेकिन कांस्टेबल एक ना सुनी और उनकी पिटाई करता रहा। आइए देखते हैं पूरी घटना का वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, आइए उसे जरा देखते हैं। मीडिया को अन्ना, मीडिया को अन्ना, अब जो होगा यही होगा, यही होगा, यही होगा। भाई जान दो, आ जाओ जाओ जाओ, जान दो गाड़ी हुई, जान दो अबे माँ की कसम। इनकी छूत और ये रखा है हमारा माल, ये रखा है माल। अरे बैठ रे, मैं खड़े होकर क्या करें। हाँ मीडिया को अंदर, मीडिया को
अब जो होगा यही होगा, यही होगा, यही होगा। भाई जान दो, जाओ जाओ जाओ, जान दो गाड़ी को, जान दो। अबे माँ की गाड़ी की छूत, और ये रखा है हमारा माल, ये रखा है माल। अरे बैठ रे, मैं खड़े होकर क्या करें। अरे यार रुक तो जा, दो मिनट रुको। क्या नाम बताया आपका? प्रशांत यादव। हाँ हाँ हाँ, कौन सा थाने से? एम पी नगर थाने से भी है। बस और ये रचना टावर के पास, रचना टावर के पास, रचना टावर ये नहीं। अरे ये मुझे पहले बता दे, एम पी नगर बता रहे हैं। आप कौन से थाने से? एम पी नगर बोल रहे थे ना अभी। साइलेंट यार, बात कर रहा हूँ ना मैं। एम पी नगर से यही नहीं वो सर, मुझे उससे तो कोई सड़क में से नहीं करी। भैया से बात कर, भैया से बात कर, शुरू से हम इधर ये बात कर लो।